राधे कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम करती हूँ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हा जी रिलेटेड क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो है कैप फॉर कान्हा जी। ये मैं वेलवेट के फैब्रिक से बना रही हूँ। इसके लिए ये देखिए, मैंने कुछ इस तरह से फर वाला वेलवेट यूज़ किया है। आप कोई सा भी वेलवेट, कॉटन, कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मेज़रमेंट बताती हूँ किस अकॉर्डिंग लेना है। आप अपने कान्हा जी के मुकुट का जो सेंटर वाला पोर्शन है, जो उनका राउंड शेप है, उसका जो रेडियस है वो नाप लीजिए। जितना उस मुकुट का रेडियस है, उसके बाहर आपने जितनी को फ्रिलिंग रखनी है, कैप के बाहर जो फ्रिलिंग होती है वो उसमें ऐड कर लीजिए, और उतना आपको राउंड जो है सर्कल लेना है। जैसे मैंने अपने कान्हा जी के लिए यहाँ पे 6 इंचेस का सर्कल कट किया है, तो मेरे जो कान्हा जी हैं उनके मुकुट का जो साइज़ है वो 5 इंचेस रेडियस है। 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा रखना है, कुछ हल्का फुल्का हेमिंग में भी जाएगा, इसीलिए मैंने 6 इंचेस रेडियस का सर्कल कट किया है। अब हम यहाँ पे इस तरह से ब्रीक ब्रीक सी हेमिंग देंगे, बिल्कुल हल्की फुल्की सी हेमिंग देंगे। ये देखिए, इस सर्कल में हमने हेमिंग दे ली है बैक साइड में, तो ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से सर्कल बन के रेडी है। अब हमने क्या करना है, एक इलास्टिक लेना है, आपको थिन वाला इलास्टिक लेना है जो बेबी सूट्स वगैरह के लिए आता है, या आप नॉर्मली शॉप पे लेने जाएंगे, अगर आप उनको बोलेंगे कि ब्रीक इलास्टिक चाहिए तो आपको ईजिली मिल जाएगा। इसको हम यहाँ पर इतनी फ्रिलिंग के लिए स्पेस छोड़ देंगे, और यहाँ पर इस तरह से आपको नॉर्मली नहीं लगाना, इसको खींच के लगाना है। ये देखिए, इसको पुल करते हुए लगाइए राउंड शेप में। आप पहले या तो मार्क लगा सकते हैं, जैसे प्रॉपरली राउंड शेप में ये इलास्टिक लग जाए, इस तरह से आप मार्किंग कर लीजिए, अंदर एक सर्कल मार्क कर लीजिए, उस मार्क के ऊपर ऊपर आपको इस तरह से इसको खींचते हुए लगाते जाना है, स्टिच कर देना है यहाँ पर। तो ये देखिए, जब हम खींच के इलास्टिक लगाएंगे तो इसमें कुछ इस तरह की शेप बन जाएगी। ये देखिए, अपर साइड में कैप का लुक आ जाएगा, और ये जो नीचे हमने फैब्रिक छोड़ा है ये फ्रिल का लुक अपने आप ले लेगा इस तरह से। जब हम इस कैप को कान्हा जी को पहनाएंगे तो इसका लुक ये देखिए, ये देखिए, फ्रंट साइड से दिखा रही हूँ आपको, अपने आप कैप शेप में लुक आ जाएगी। और ये बनाना बहुत इजी है, तो अगर आप भी बनाना चाहते हैं कैप तो आप इस तरह से इजी बना सकते हैं इजीली। वुलन की कैप अगर नहीं बनाना आती आपको तो इस तरह से ट्राई करिए। राधे राधे फ्रेंड्स।